गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, हियर वी अगेन. लेट मी एक्सप्लेन द हिंटरलैंड एंड ग्रसन टाउन. बट आई थिंक आई एक्सप्लेन दीज वर्ड्स इन लास्ट क्लास, इन सैटरडे क्लास. तो हम बात कर रहे थे ऐसे बहुत सारे लोगों की. हमने डायनेस्टीज की बात की थी और हमने एक इम्पॉर्टेंट शहर देखे थे जो कैप्चर किए थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, जो आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है. आपको पता है ये सारे के सारे शहर प्लेन एरियाज में हैं? कभी आपने ध्यान दिया? प्लेन एरियाज मतलब ये आप नीले नीले निशान देख रहे हैं, नदियों वाला इलाका है सबसे ज़्यादा, यही हिंटरलैंड होते हैं. मतलब एक ऐसा शहर जो यमुना किनारे, एक ऐसा शहर जो गुमती या गंगा नदी किनारे है, वो बहुत वेल डेवलप है. आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, आप वहाँ पे चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं और किसी दूसरे हिस्से तक, दिल्ली तक या और भी आगे तक जा सकते हैं नदियों के द्वारा. आप लखनऊ तक जा सकते हैं, आप बहुत नीचे बड़े बड़े इलाकों तक जा सकते हैं. तो हिंटरलैंड बेटा उन्हीं को कहा गया है कि जिनकी कनेक्टिविटी वाटर से या सी कोस्ट से हो या नदियों के जरिए शहरों से उनका जुड़ाव हो. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड भी थी हमेशा से, किसान सबसे ज़्यादा मजबूत इन्हीं इलाकों में रहा है, खेती सबसे ज़्यादा यहीं अच्छी हुई है, जानवर सबसे ज़्यादा यहीं होते थे. तो राजा को सेना चाहिए होती है क्योंकि लोग तो वहीं रहेंगे जहाँ प्लेन एरियाज में सुविधाएं होंगी, खेती की सुविधा, पानी की सुविधा, जानवरों की सुविधा, खाने पीने की. और शहर बड़े बड़े यहीं डेवलप हुए, इसलिए हमेशा शुरुआत से इन्हीं इलाकों पर कब्जे करने की कोशिश रही है हर किसी की. ठीक है, तो वही है जो लैंड एडजेसेंट होता है सिटी से पोर्ट के जरिए, ताकि गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जा सके. और ये किले बंद एक शहर होते हैं जहाँ पे सैनिक जो है रक्षा कर रहे होते हैं या पहरा दे रहे होते हैं. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 13th सेंचुरी, अब 13th सेंचुरी का मतलब हो गया 1200 AD से. ठीक है, अच्छा मैंने बोला 13th सेंचुरी और मैं लिख रहा हूँ 1200, ऐसा क्यों है वो हम आपको किसी दिन बताएंगे आपको अच्छे से. ये बात भी, द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रियरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसंस. अब किले बंद लोगों के जरिए, सैनिकों के जरिए, वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुल्तान जो हैं दिल्ली को कंट्रोल करने लगे. किस टाइम में? 13th सेंचुरी में. द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ सिटी. अब आपको तो पता ही है कि दिल्ली में जब नदी बहती है तो वहाँ पे सीरी, हौज खास, ऐसे बड़े बड़े इलाके जहाँ पे छोटे छोटे शहर बसे और किले थे, तो उनको वहाँ से उन्होंने कनेक्ट किया. एंड वर देयरफॉर डिपेंडेड अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट ऑफ प्लंडर फॉर सप्लाई. और वो जो इलाके हैं ना नदियों के आसपास, उसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, उसी पर डिपेंडेंट हैं. सप्लाई हो रही है, चाहे गुड्स की हो, व्यापार हो रहा हो, चाहे आदान प्रदान हो रहा हो, किसी भी तरह का आम लोग हों, राजा हों, विदेशों से आने वाली चीज़ें हों, वो इसी के जरिए जो है ट्रेड के लिए यूज़ की जाती थी. अब क्या हुआ, अब जरा आप ध्यान दें इसको, कि इस तरह करीबन शहरों को जब कंट्रोल किया जाने लगा डिस्टेंट बंगाल में और सिंध दिल्ली, वो कई बार डिफ़िकल्ट भी होता था क्योंकि बंगाल बेटा फार ईस्ट में है और जो आपका सिंध है वो आज के पाकिस्तान में है और दिल्ली से भी बहुत दूर है. तो अक्सर का रेबेलियन, विद्रोह हो जाना, वॉर हो जाना, बैड वेदर में कम्युनिकेशन नहीं हो पाना क्योंकि कोई आना जाना तो हो नहीं पाएगा उस टाइम पे, तो पक्षियों के जरिए और घुड़सवारों के जरिए ही संदेश पहुंचाए जाते थे. दिल्ली अथॉरिटी वाज आल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर हु रेबल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान वीकनेस. और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की सत्ता, दिल्ली अथॉरिटी कई बार चैलेंज की मंगोल ने, जो कि नॉर्थ की तरफ से आए थे, मंगोलिया चाइना की तरफ से. इन्वेशंस फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से जो आक्रमण होते थे उनकी तरफ से भी खतरे दिल्ली को बहुत रहे. और सबसे ज़्यादा खतरा अंदरूनी किन से? गवर्नर से. वो अधिकारी या वो छोटे छोटे सरदार जो कभी भी विद्रोह कर देते थे, रेबल कर देते थे, जब उन्हें लगता था कि सुल्तान जो है किसी कमज़ोर राह से गुजर रहा है, सुल्तान की कोई कमज़ोरी पकड़ ली है, सुल्तान कमज़ोर हो गया है. इस तरह से ये सारी चीज़ें बदलने लगी गैरिसन टाउन्स में, किले बंद शहरों में, ताकि कोई विद्रोह करे तो उस किले के अंदर ही सोना, खजाना, राजा का काम काज, कागज, बड़े बड़े वजीर, मंत्री सब होते थे. जब आप उनको ही कंट्रोल कर लेंगे तो आप किसी भी कंट्री पर कंट्रोल कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें उस टाइम हुआ करती थी.
द सल्तनत बियरली सर्वाइव दिस चैलेंज. सल्तनत में भी इन चीज़ों को सहन किया है, झेला है. इट्स कॉन्सोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रीन ऑफ गयासुद्दीन बलबन. और उनकी मजबूती सबसे ज़्यादा कब उभरी? जब बलबन बना. एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक. और उसके बाद जो बढ़ावा दिया है सल्तनत को अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे. अब आप ज़रा देखें तो इसमें द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलॉन्ग विद द इंटीरियर फ्रंटियर. अब ये इंटरनल फ्रंटियर क्या है ये आप अभी दूसरा ज़रा मैप के जरिए आप समझेंगे कि इसको इंटरनल फ्रंटियर क्यों बोला है. इंटरनल मतलब अंदरूनी, इंडिया के अंदरूनी हिस्सों के फ्रंटियर यानी कि जो ठिकाने हैं उनकी बात की जा रही है. तो वहाँ कैंपेन किए गए, ठीक है, ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड. अच्छा, एम क्या था कि जो हिंटरलैंड हैं, ऐसे इलाके हैं जो नदियों से जुड़े हुए हैं, अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, उनको मजबूत करना. ये सल्तनत के टाइम का सबसे जो बड़ा एम बन गया. ऑफ द गैरिसन टाउन्स, और जो किलेबंद शहर है उनके जरिए उनको ऐसे सुरक्षा प्रदान करना. ड्यूरिंग दिस कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर एंड पैस्टोरल्स एक्सपेलड फ्रॉम देयर हैबिटेट. अच्छा, किया क्या गया? जैसे मान लीजिए ये कोई छोटा सा किलेबंद शहर है, अब इसके आसपास जंगल बहुत हैं तो यहाँ भी खतरा है, तो यहाँ से आक्रमण हो सकते हैं. तो ये आक्रमण भी ना हो सके तो उसके लिए पता है क्या किया? यहाँ से ये सारे जंगल जो है साफ करवा दिए दूर दूर तक, ताकि जो है सिर्फ और सिर्फ खाली दिखाई दे और दूर दूर तक हमारी निगाह जब जाए तो हम देख सकें कि हाँ ये चीज़ आपकी जो है मिस हो गई है. ठीक, जैसे ये टाउन है, अब जंगल इतनी इतनी दूर दूर तक हो गए, ये पूरा इलाका खाली खाली सा रहने लगा, ताकि युद्ध के लिए जो जगह हो वो भी मिल सके और हम यहाँ से दूर से निगाह रख सकें कौन आ रहा है कौन जा रहा है. इस तरह की चीज़ें होने लगी. और गंगा यमुना दोआब का मतलब क्या होता है बेटा? दो मतलब दो, आब मतलब पानी वाले, पानी के बीच की जगह. तो यानी गंगा यमुना दो नदियाँ उनके बीच की जगहों में, यानी कि जितने जितने शहर हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा और भी बहुत सारे हैं, पटना, बनारस और भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं, उन सबको वहाँ से साफ़ कर दिया गया. जो हंटर गैदरर हैं और पेस्टोरल्स यानी चरवाहे हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया अपनी जगह से. आगे देखें, दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज. अच्छा, ये सारी चीज़ें जंगलों की जो साफ़ की गई, यहाँ से ना उन सब लोगों को तो निकाल दिया गया. अब किसको यहाँ रखा गया बेटा? पीजेंट्स लोगों, किसान लोगों को रखा गया और जो खेती है उसको बढ़ावा दिया गया. न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड. अब जो यहाँ बड़े छोटे छोटे शहर देख रहे हैं लेटर ऑन, मथुरा आगरा के बाद भी जो यमुना दिख रहे हैं छोटे छोटे शहर हैं, उनको वहीं बसाया गया, किलेबंद शहर बनाए गए. किस लिए? ताकि एक ट्रेड रूट जो है प्रोटेक्ट करके इस्टेब्लिश किया जा सके और प्रमोट किया जाए रीजनल ट्रेड को. वहाँ पर जितना भी अंदरूनी सल्तनत के टाइम पीरियड में एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में जो व्यापार होता है वो फल फूल सके. द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत. अब दूसरा जो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब राज्य की सीमा को बढ़ाना, वो भी जो है एक्सटर्नल फ्रंटियर के टाइम पे सल्तनत पीरियड में ही हुआ. यानी कि छोटे छोटे शहरों को तो जोड़ दिया फ्रंटियरों को, अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब और भी बाहर से जोड़ दिया गया. कैसे? मिलिट्री एक्सपेंडिशन इन टू साउदर्न इंडिया. अब दूर तक ले गए साउदर्न इंडिया की तरफ आर्मी के जो है मोर्चे, एक्सपेंडिशन नहीं मोर्चा, आर्मी का फैलाव किया गया. और वो स्टार्ट हुआ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे पहले. तो नॉर्थ की तरफ से साउथ में जाने की के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन रहा वो खिलजी रहा. एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और उसके बाद जो है मोहम्मद तुगलक भी रहा. इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट हॉर्स एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स. इनके टाइम पे, खिलजी के टाइम पे, तुगलक के टाइम पे जब कैंपेन हुए तो सल्तनत की आर्मी ने जहाँ जहाँ गई घोड़े पकड़े, हाथी पकड़े, दास लेके आए और उन्हें अपने साथ बहुत सारे कीमती पत्थर भी लेके आए. तो आप एक बात ध्यान रखें कि इसी टाइम, ये वही टाइम पीरियड है जब अलाउद्दीन खिलजी गोलकुंडा जो साउथ में आंध्र प्रदेश में है वहाँ से खान में से कोहिनूर कहते हैं मिला था उसे,
कई लोग ये कहते हैं कि वो कोहिनूर नहीं था, दूसरा हीरा था, बट वो प्रीसेस मेटल्स में उस शाम से सारी चीज़ें आ चुकी थी हमारे यहाँ। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीन, जब मोहम्मद तुगलक का शासन एंड हो रहा था, 150 ईयर्स आफ्टर समवट हम्बल बिगनिंग, तो 150 साल के बाद कुछ जो है थोड़ा सा अच्छा या विनम्र चीज़ें होना शुरू हुई। आर्मी थी जो दिल्ली सल्तनत की, अब वो मार्च करती है अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट वर्ड का मतलब किस चीज़ से है? पूरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और दूर दराज के बहुत बड़े बड़े इलाके, सारे कंट्रीज को जोड़ के हम उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि वो आज के टाइम पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। पहले तो वो सब इंडिया का पार्ट हुआ करते थे, राजाओं की सीमाओं के हिस्से हुआ करते थे। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज, अब वो अपने दुश्मनों की आर्मीज को हरा रहे थे और शहरों को अपने कब्जे में ले रहे थे। कौन? दिल्ली सल्तनत के जो भी राजा रहे। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री, और जो खेती बाड़ी वाले लोग थे उनसे टैक्स कलेक्ट करती थी। डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियल, और न्याय को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, ये सब करते रहे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े टेरिटरी पे उनका कंट्रोल कैसे था और किस तरह से इफेक्टिवली वो कंट्रोल किए हुए थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजिया कैंपेन है साउथ इंडिया की तरफ, देख लीजिए। दिल्ली से रणथंबोर 1307 में, चित्तौड़ में 1303 में, गुजरात में 1299 में, और इधर पूरा यूपी घूमते हुए कारा यहाँ से यहाँ तक 1303 से पूरा 1 साल, फिर कारा से 1296 तक देवगिरी जो यादवों की राजधानी थी महाराष्ट्र में, फिर मांडू आया 1305 में, और फिर देवगिरी से वारंगल गया 1311 में, 1301-11 तक ये द्वार समुद्र एक जगह है, और यहाँ से होयसल थंजावुर 1311 में। ये देखिए यादव्स लिखा है, देवगिरी जो थी यादवों की राजधानी थी, वहाँ पे यादव लोग जो है राज करते थे राजाओं, तो देवगिरी ही वो शहर है बेटा जिसको खलजी ने बदल के उसका नाम जो है मैं भूल गया, दौलताबाद रखा था देवगिरी को। तो ये कैंपेन के साइन है, पूरे साउथ इंडिया को रौंद डाला उसने, इतने बड़े कैंपेनिंग की उसने। ये देखिए, ये मस्जिद है, ये आपका कुतुब मीनार है, उसके आसपास के सारे इलाके हैं उसमें दिखाया है। आप देख सकते हैं कुव्वत अल इस्लाम, एक मस्क यानी मस्जिद है वहाँ पे, इधर कुतुब मीनार के पास, एंड मीनारेट मतलब ये मीनार है। ये बिल्ट है लास्ट डिकेट ऑफ द 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी के लास्ट डिकेट में ये बिल्ट की गई, यानी कि 1190 से 1199 के बीच में, ठीक। ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू है, फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान, ये पहली इस तरह की मस्जिद और वो थी जो दिल्ली सुल्तानों ने वहाँ पे बनवाई। डिस्क्राइब किया गया है उसको उस टाइम पे दिल्ली ए कोहना, द ओल्ड सिटी के नाम से। दिल्ली ए कोहना मतलब फारसी वर्ड की तरह यूज़ किया है, ये अलग भाषा का वर्ड है। द मॉस्क्यू वॉज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद खिलजी, फिर इस मस्जिद के और भी जो है इसको बढ़ाया गया, इसके निर्माण को बढ़ाया गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई गई। तो वो किस किस ने बढ़ाई बेटा? पहले इल्तुतमिश ने बढ़ाई, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने। द मीनार वॉज बिल्ट बाय टू सुल्तान, और जो कुतुब मीनार है ना बेटा, दो सुल्तानों ने बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। वो क्यों? कि जब बेटा इसका काम स्टार्ट हुआ था ना, तो स्टार्ट तो करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उसके बाद जब इल्तुतमिश आप ध्यान रखें उसका दामाद ही था, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश ने फिर ख़त्म करवाई। इसलिए फिर बाद में अपने पास मतलब फोर फादर के नाम से ही, अपने पिताजी के नाम से, कुतुब मीनार से, कुतुबुद्दीन ऐबक से ही निकाले कुतुब मीनार इसका नाम दिया। तो स्टार्ट करवाया था बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन फिनिश किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार जीके में। आगे देखें, ये बेगमपुरी मस्क बिलिंद रीनो मोहम्मद बिन तुगलक, आई थिंक यहाँ पे नीचे दिया होगा, ये है बेगमपुरी मस्क,
देख लीजिए बेटा, ये बनवाई है मोहम्मद बिन तुगलक ने, बेगमपुरी मस्क। ये मेन मॉस्क क्यों है जहाँपनाह की, द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। दिल्ली में जब उसने अपनी नई राजधानी बनाई थी तब वहाँ पे उसने इस मस्जिद का निर्माण कराया था बेटा। ठीक है, आगे देखें। द मस्जिद, ए मॉस्क्यू इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। मॉस्क्यू को मस्जिद कहते हैं अरेबिक में, अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी भाषा में। लिटरली ए प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रिवरेंस टू अल्लाह। एक जगह जहाँ पे जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं अल्लाह की इबादत करते हैं या पूजा करते हैं। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मस्क, जो इस तरह की मस्जिदें होती थी, मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद, मतलब जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जामा। तो वो जो इस तरह की मस्जिदें होती थी, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, नमाज, मुस्लिम्स अपनी प्रेयर्स को, प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, जिसे नमाज कहते हैं, एक साथ टुगेदर। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न मेल एज देयर लीडर इमाम फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर। अब जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे रिस्पेक्टेड जो उनके लीडर होते हैं, जो कि सीखे हुए पढ़े हुए लोग होते हैं, उनको इमाम बोलते हैं, वो उनके इन पूजा के क्रियाकलापों को, नमाज के जो तौर तरीके होते हैं, उनको इमाम समझाते हैं, इमाम ही उनको करवाते हैं। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सेरमन, खुतबा, खुतबा पढ़ते हैं ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। फ्राइडे प्रेयर को खुतबा पढ़ा जाता है, वो लोग इमाम ही पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। प्रेयर के टाइम पे मुस्लिम जो होते हैं मक्का की तरफ मुख करके खड़े होते हैं। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, इंडिया में ये वेस्ट की तरफ खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे से वेस्ट की तरफ अरेबिया है। दिस इज़ कॉल्ड द किबला, और उसी को किबला कहते हैं, जो मक्का वाला एक पार्ट है, जो कि आपने कई बार देखा होगा पिक्चर्स में, वो ब्लैक कलर की एक चौकोर हिस्सा है जहाँ पे सब लोग उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे किबला कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको नॉलेज मिलती है अदर रिलीजन्स के बारे में, तो आप उनको अच्छे से जानें और समझें। कई सारी बिल्डिंग है, ये मोठ की मस्जिद है और ये सिकंदर लोधी ने बनवाई है, सिकंदर लोधी के टाइम पे उनके मिनिस्टर्स ने बनवाई है, मोठ की मस्जिद। द दिल्ली सुल्तान बिल्ड सेवरल मस्क इन द सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। पूरे महाद्वीप में बहुत सारी मस्जिदें बनवाई। दीज डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। इन सब चीज़ों से ये पता चलता था कि वो इस्लाम को मानने वाले हैं और इस्लाम का ही रक्षण करने वाले हैं। मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीव्स बिलीवर्स। और मॉस्क इस चीज़ से हेल्प की जाती थी कि वो ये दिखाती थी मस्जिदें कि हाँ, कम्युनिटी में बिलीव करने वाले लोगों की संख्या इस तरह से है, वो इस्लाम में यकीन रखते हैं। हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये मान्यताओं वाली चीज़ें, भरोसे वाली चीज़ें, ये इस तरह के तौर तरीके किसने लागू की है, कौन बताता था। इट वॉज नेसेसरी टू री इन्फोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम वराइटी ऑफ बैकग्राउंड। इस तरह के आइडियाज़ को मानना भी बड़ा ज़रूरी होता था, क्योंकि मुस्लिम जो रूलर थे वो कई सारे बैकग्राउंड से आए थे। ये मस्क ऑफ जमाली कमाली है, 1520s में बनाई ये वाली जमाली कमाली। अब ऐसा क्यों, वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड है भाई, कोई अफगान था, कोई तुर्क था, कोई मंगोल था, तो ये अलग अलग टाइप से लोग आए थे, कोई ईरानी था, फारस से आया था, इस तरह से। तो सबके रीति रिवाज, इधर की चीज़ें कई बार अलग हो जाती हैं, आप भी जानते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए। अब हम एक क्लोज़र लुक ले आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जो मजबूत एक इलाका बनाया था खलजी और तुगलक के अंडर में, एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन देखें उस टाइम कैसा हुआ करता था। द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी आप एक बड़ा सा राज्य चलाते हैं तो आपको भरोसेमंद लोग चाहिए होते हैं, गवर्नर चाहिए होते हैं, ताकि आप उनको ज़रूरत पड़े तो आप पे निर्भर भी हो।
रैदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टन्स एज गवर्नर। इंडिया में कोशिश ये होती थी कि एरिस्टोक्रेट्स एरिस्टोक्रेट्स बड़े रईस ज़्यादा बड़े घर के लोग होते थे जो कि शासन में होते थे, तो उनकी जगह भूमि के मुखियाओं को, गवर्नर को बेटा वहाँ पे नियुक्ति दी जाती थी। लैंडेड चीफ को बेटा हम गवर्नर कहते हैं, भूमि का जो मुखिया है। और द अर्ली डेली सुल्तान्स, अगर शुरुआत के सुल्तानों की बात करें, स्पेशली अल्तुतमिश, फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस। वो क्या करता था, अपने जो महत्वपूर्ण दास होते जिनको खरीद के लाता था, उनको मिलिट्री सर्विस में भर्ती करवाता था, कॉल्ड बंदगान, उनको बंदगान कहते थे इन पर्शियन में, पर्शियन भाषा में, फारसी में। देवर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। और वो केयरफुली ट्रेन किए जाते थे उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस में राजा के आई, सिंस देवर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर। जो उनका मुखिया है वो उसी पर डिपेंड होते थे, गवर्नर्स की बात हो रही है। द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिप्लाई रिलाई अपॉन देम, तब जाके सुल्तान उन पर ट्रस्ट भरोसा करता था और उन पर अपनी जो निर्भरता होती है, जो डिपेंडेंसी होती है, रिलायबिलिटी होती है, वो उनको जो है रखता था। आपको पता है जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये लोग अपने बेटों से ज़्यादा दासों पे भरोसा करते थे। आपको शायद नहीं पता है, मोहम्मद गौरी जब 1192 में दिल्ली जीत चुका था, जो कुतुबुद्दीन था ना, कुतुबुद्दीन वो बेटा उसका दास ही था, आप ध्यान रखना। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही वो दे के चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी फिर आगे यही चीज़ की, आगे बलबन भी हुआ। सुल्तान को एडवाइस दी जाती थी, ए स्लेव, जो आपका दास है, होम वन हैज़ ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड, जिसको आपने बड़ा किया है, आगे बढ़ाया है, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। तो अब ज़रूरत ये होती है कि अगर लाइफ टाइम और अच्छे के भले के लिए आप जो है एक वर्दी, भरोसेमंद और एक्सपीरियंस्ड गुलाम को जो है आप आगे बढ़ाएं। वाइज मैन हैव सेड दैट, अच्छे बुद्धिमान लोगों ने कहा है, ए वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन अ सन, कि एक बहुत ही लायक और अनुभव जो दास है वो आपके बेटे से कहीं ज़्यादा होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि एक स्लेव को एक बेटर कहा गया एक सन से। क्लाइंट, ये वर्ड आपको हमेशा नोटबुक में बेटा लिखने होंगे। हेडिंग्स आप हमेशा दिया करो, हार्ड वर्ड्स, ठीक, या फिर न्यू वर्ड्स, ओके, उसमें आप इन चीज़ों को लिखा करेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही रखें स्टूडेंट्स, जब कल नेक्स्ट डे जब आपकी क्लास होगी नेक्स्ट टाइम, तो हम उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो भी वर्क मिलता है, जिन बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स बेटा हो चुके होते हैं पहले से, क्योंकि मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो वो चीज़ ना करें। लेकिन जो नए वर्ड आ रहे हैं, कोई नई चीज़ आ रही है, तो वो आपको करनी है। होमवर्क आप 7 PM तक बेटा सबमिट कर दिया करें ग्रुप में, ठीक। और जो बच्चे न्यू हैं या फिर उन्होंने वर्क नहीं किया है या उनको प्रॉब्लम हुई है किसी भी बच्चे को, तो उनको ये सारा वर्क अब करना है, क्योंकि अब अच्छे से आपकी क्लास दोबारा से हुई है, इस बार आप कोई कमी ना छोड़ें, ठीक है। और आपको कोई कॉल मैसेज या बात करना होता है तो बेटा वो 1 PM के बाद करें आप प्लीज़, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास हो रही होती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।